रूट एक्स प्लस रूट वाई या रूट एक्स माइनस रूट वाई अगर ये प्लस है तो यहां भी प्लस होगा यहां माइनस है तो यहां पर भी माइनस होगा ठीक है फॉर इफ आई हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है तो इसका जो स्क्वायर रूट है इट विल बी ऑफ दूट एक्स प्लस रूट वाई ठीक है इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा लेट्स जस्ट फर्स्ट लुक एट कैलकुलेशन कैसे करना है अपने को फाइव प्लस टू रूट सिक्स का जो स्क्वायर रूट है वो रूट एक्स प्लस रूट वाई के फॉर्म का होगा अब फाइनली हमारे पास एक ही तो उसके लिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइव प्लस टू रूट सिक्स और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो हमारे पास रूट एक्स प्लस का स्क्वायर अगर होगा तो वो होगा रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस रूटवाई का स्क्वायर वाई

बराबर होंगे और दोनों साइड के इर्रेशनल पार्ट्स भी बराबर होंगे ठीक है सो so, यहां पर आई कैन से विल बी इक्वल टू फाइव एंड ट्वाइस ऑफ रूट एक्स वाई विल इक्वल टू टू रूट सिक्स ओके इसको सिंप्लीफाई करेंगे टू टू कैंसल्स आउट रूट सिक्स इज रूट एक्स वाई स्क्वायर कर दो तो, तो x एन टू वाई कम्स आउट टू बी सिक्स तो आई इज एक्स प्लस वाई इज फाइव एंड सेकेंड एक्स इन टू वाई इज सिक्स ये दो रिलेशन आ गए तो अब आप दो नंबर सोचो जिनका सम फाइव हो और प्रोडक्ट सिक्स हो बहुत ईजी है टू नंबर थ्री टू प्लस थ्री इज फाइव एंड टू इन टू थ्री इज सिक्स ठीक है तो यहां पर सिंस एक्स एंड वाई आर टू एंड थ्री तो ये जो स्क्वायर रूट है हमारा इसका स्क्वायर रूट विल बी रूट ऑफ टू प्लस रूट ऑफ थ्री ना अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स टू है या वाई टू है एक्स टू ले लो वाई थ्री ले लो या फिर एक्स थ्री ले लो और वाई टू ले लो एक ही बात है रूट टू प्लस रूट थ्री बोलो या रूट थ्री प्लस रूट टू बोलो इट्स वन एंड द सेम थ्री राइट तो स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस टू रूट सिक्स कम्स आउट टू बी रूट टू प्लस रूट थ्री ना इसमें एक आपको डाउट आ सकता है कि यहां तो नंबर्स चलो इजी थे इसीलिए हम फिगर आउट कर पा रहे हैं कि टू एंड थ्री है ठीक है नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि टू एंड थ्री है या नंबर थोड़े से डिफिकल्ट है तब क्या करेंगे हम तब बहुत ईजी है देखते हैं कैसे करेंगे से यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं एक्स प्लस वाई इज फाइव एंड एक्स इन टू वाई इज सिक्स आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि नंबर टू और थ्री है तो अब आप क्या करो यहां से आप बोल सकते हो कि एक्स की वैल्यू क्या होगी सिक्स अपॉन वाई ठीक है तो अब यहां पर x की वैल्यू सिक्स अपॉन वाई सब्सटीट्यूट कर दो तो सिक्स अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव तो यहां से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक राइट सिक्स प्लस वाई स्क्वाजल टू फाइव वाई सो दिसर माइनस फाइव इंटू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो नॉ इधर यू कैन सॉल्व इट यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर आप यहां पे फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो ठीक है चलो तो दिस इज वॉट वी हैव। एक और लेते हैं प्लस टू रूट ट्वेंटी एट इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई इसी फॉर्म का होगा ना बीच में प्लस है तो प्लस होगा यहां तो आप स्क्वायर कर दें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगा इलेवन प्लस टू रूट ट्वेंटी एट

तो सिंपल है x प्लस वाई सॉरी 11 होना था x प्लस वाई होगा 11 एंड 2 टू कैंसल आउट रूट एक्स वाई रूट ट्वेंटी एट तो x इन टू वाई आ जाएगा 28 तो दो नंबर्स सोचो आप जिनका सम 11 हो और प्रोडक्ट हो 28 तो क्या होंगे वो दो नंबर्स वेल द टू नंबर्स विल बी सेवन एंड फोर करेक्ट आप ऐसा सोच सकते हो कि सेवन एंड फोर कैसे आया दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट ट्वेंटी एट है तो ट्वेंटी एट हो सकता है वन इंटू ट्वेंटी एट या फिर टू इंटू फोर्टीन बस बट इन दोनों का सम इलेवन नहीं है इन दोनों का सम इलेवन नहीं है और क्या बनेगा फोर इंटू सेवन इन दोनों का सम इलेवन है ऐसे भी आप फिगर आउट कर सकते हो तो स्क्वायर रूट कम्स आउट टू तो बी रूट ऑफ इलेवन प्लस नहीं सेवन है सॉरी रूट ऑफ रूट ऑफ सेवन प्लस रूट ऑफ फोर सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज रूट सेवन प्लस रूट फोर या फिर रूट फोर प्लस रूट सेवन कुछ भी बोल सकते हो आप ठीक है चलो तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी प्लस ट्वेंटी रूट टू तो इसका जो स्क्वायर रूट है थर्टी प्लस ट्वेंटी रूट टू विल बी ऑफ दूट ऑफ एक्स यहां प्लस है तो बीच में आएगा प्लस रूट ऑफ वाई ठीक है अब क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यू गेट थर्टी प्लस ट्वेंटी रूट टू इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू वाई तो अब यहां रैशनल पार्ट है एक्स प्लस वाई और यहां है थर्टी तो एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू थर्टी और इरेशनल पार्ट है टू रूट एक्स वाई यहां इरेशनल पार्ट है ट्वेंटी रूट टू तो हमारे पास होगा टू रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू रूट टू तो देखो टू से ट्वेंटी जाएगा टेन टाइम स्क् तो रूट एक्स वाई का स्क्वायर टू टेन रूट टू का स्क्वायर होगा टेन स्कवायर हंड्रेड सॉरी टेन स्क्वायर हंड्रेड इंटू रूट टू स्क् टू टू इंटू हंड्रेड इज टू हंड्रेड एक्स इंटू वाई टू हंड्रेड है एंड एक्स प्लस वाई इज थर्टी अब दो नंबर सोचो जिनका सम हो थर्टी और प्रोडक्ट हो टू हंड्रेड द नंबर विल बी ट्वेंटी एंड टेन राइट तो ये जो है ये आ जाएगा रूट ऑफ ट्वेंटी प्लस रूट ऑफ टेन या फिर उल्टा भी बोल सकते हो रूट ऑफ टेन प्लस रूट ऑफ ट्वेंटी कोई इश्यू नहीं है बोथ आर करेक्ट बोथ आर वन एंड द सेम थिंग फाइन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां है ट्वेंटी माइनस सिक्स रूट इलेवन सो ऑफ ट्वेंटी माइनस सिक्स रूट इलेवन विल बी ऑफ दूट एक्स माइनस है ना तो यहां भी माइनस आएगा रूट वाई इसका स्क्वायर रूट होगा रूट एक्स माइनस रूट वाई ठीक है अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा ट्वेंटी माइनस सिक्स रूट इलेवन इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस रूटवाई का स्क्वायर वाई ये हो गया रैशनल पार्ट माइनस यहां माइनस है ना तो माइनस Twice root of x into y, which is twice root of xy. Now rational part 20 here will be equal to rational part. So x plus y is equal to 20. Right? And the irrational part here, which is minus 6 root 11, is equal to the irrational part here, which is minus 2 root x into y. Check. So, first of all, negative cancels out here. 6 goes by 2, 3 times. स्क्वायर करते हैं इन दोनों तरफ रूट एक्स वाई का स्क्वायर इज एक्स इंटू वाई थ्री रूट इलेवन का स्क्वायर थ्री स्क्वायर इज नाइन नाइन इंटू इलेवन नाइनटी नाइन वाई आ जाता है नाइनटी नाइन और एक्स प्लस यहां पर ठीक है तो दो नंबर सोचो जिनका सम हो ट्वेंटी और प्रोडक्ट हो नाइनटी नाइन तो नाइनटी नाइन को ब्रेक करते हैं नाइनटी नाइन कैन इज ब्रोकर तो ये नंबर क्या हो जाएंगे आपके नाइन एंड इलेवेन दीज विल बी एक्स और वाई अब यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा अब आप यहां सिंपली ये नहीं बोल सकते कि या तो रूट इलेवन माइनस रूट नाइन बोलो या रूट नाइन माइनस रूट इलेवन बोल लो कुछ भी नहीं चलेगा दोनों डिफरेंट है इफ आई से रूट इलेवन माइनस रूट नाइन और इफ आई से रूट नाइन माइनस रूट इलेवन आर बोथ दी सेम और नॉट दे आर डिफरेंट भाई ये पॉजिटिव नंबर है ना और ये नेगेटिव नंबर है, तो पिछले केस में दोनों सेम थे दोनों ही पॉजिटिव थे दोनों की वैल्यू सेम थी, फिगर आउट पॉजिटिव रूट ऑफ दिस नंबर तो आप सीधा बोलोगे पॉजिटिव नंबर तो ये है राइट अदरवाइज सिंपली सोचो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव राइट स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ नाइन थ्री होता है कभी हम ये नहीं बोलते स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट ऑफ ऑफ इज राइट बोलतेज प्लस थ्री माइनस थ्री एक्सक्वायर अगर 9 है तो X की वैल्यू प्लस माइनस थ्री आएगी दैट्स अ डिफरेंट थिंग तो जब हम वो इनक्वालिटीज और फंक्शन वगैरह की क्लास करेंगे तब इस चीज को समझेंगे एक्स स्क्वायर नाइन है तो एक्स प्लस माइनस थ्री होता है बट अगर इफ आई सिंपली आस्क यू व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ नाइन स्क्वायर रूट ऑफ नाइनस थ्री एंड नॉट माइनस थ्री ठीक है तो रूट इलेवन होगा बिटवीन थ्री एंड फोर ठीक है तो ये जो टर्म है इसकी मैक्सिमम वैल्यू सिक्स इन टू फोर थ्री एंड फोर भी नहीं होगी दिस विल बी फोर स्क्वायर सिक्सटीन ओके okay, एक काम करो इसको समझो ये पॉजिटिव है कि नहीं 20 माइनस सिक्स रूट इलेवन ये फिगर आउट करना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं पहली बात तो आप बाय डिफॉल्ट ही बोल सकते हो ये पॉजिटिव है इसका स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट करना है तो हम पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं नेगेटिव का तो कर ही नहीं सकते बट इवन इफ यू हैव टू फिगर आउट कि ये पॉजिटिव है या नहीं तो अगर इसकी वैल्यू ट्वेंटी से कम है तो मतलब ये पॉजिटिव होगा और ट्वेंटी से ज्यादा है तो मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा नंबर सिक्स रूट इलेवन कैन बी रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ इलेवन इंटू ये सिक्स रूट के अंदर जाएगा तो दो सिक्स आ जाएंगे राइट तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इलेवन इंटू थर्टी सिक्स तो इलेवन इंटू थर्टी सिक्स थ्री नाइनटी सिक्स राइट और ट्वेंटी को मैं सोच सकता हूं ट्वेंटी स्क्वायर रूट ऑफ फोर हंड्रेड तो ये लिखा है रूट ऑफ फोर हंड्रेड माइनस रूट ऑफ थ्री नाइनटी सिक्स तो एक बड़े रूट में से छोटा रूट सब हो रहा है तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये

ए प्लस रूट बी का स्क्वायर रूट होता है रूट एक्स प्लस रूट बी के फॉर्मेट का वो कैसे आता है तो समझो यहां पर जब मैं रूट एक्स प्लस रूट वाई या रूट एक्स माइनस रूट वाई एज्यूम करता हूं तो इसका स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स प्लस वाई प्लस ट्वाइस रूट ऑफ एक्स इंटू वाई तो यहां पर एक टर्म रैशनल आता है और एक टर्म इेशनल आता है इफ यू हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल टर्म प्लस एक, एक term, इसका root, अब कर दे दोनों तरफ तो आ जाएगा रूट एक्स प्लस तो अगर कोई नंबर एक रैशनल प्लस इशनल फॉर्म का है इसका स्क्वायर रूट हमेशा रूट एक्स प्लस रूटवाई के फॉर्म का ही होगा क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक रैशनल टर्म मिलेगा एक मिलेगा इेशनल टर्म ठीक है तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहें तो कहना है तो गड़बड़ हो जाएगी क्या गड़बड़ हो जाएगी कि जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यह मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ वन टू एट जीरो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन टू सिक्स जीरो इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट ऑफ एक्स इन वाई अब आपको गड़बड़ हो जाएगी यहां पर क्या गड़बड़ आप रैशनल नंबर आ रहा है राइट हैंड साइड में डू यू हैव अ रैशनल नंबर ऑन द राइट हैंड साइड भाई है ही नहीं कंपेयर करने के लिए आपके पास कोई रैशनल टर्म है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में RHS में रैशनल आप एल एच एस के रैशनल किससे कंपेयर करोगे नहीं कर पाओगे तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे डायरेक्टली कि वो रूट एक्स माइनस रूट वाई के फॉर्म का है तो पहले तो हमें इसको थोड़ा सा फेमिलियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फेमिलियर फॉर्मेट मतलब क्या शनल प्लस इेशनल का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आता है तो इस फॉर्मेट में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्मेट में एक रैशनल नंबर और एक इेशनल नंबर के सम के फॉर्मेट में तो यहां पर कुछ कॉमन है क्या वन टू एट जीरो और वन टू सिक्स जीरो में ट्वेंटी का फैक्टर कॉमन है तो आई कैन राइट दिस है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस कैन बी रिटर्न एज ट्वेंटी टाइम्स ऑफ सिक्सटी थ्री ये लिख सकते हैं तो अब ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं अब दोनों टर्म्स में स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी कॉमन है तो वो ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी कॉमन ले लिया बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स एंड आई नो स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर क्या होता है रूट सिक्सटी फोर इज एट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी थ्री हो जाएगा राइट right? तो ये जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होके ऐसा आ जाता है क्या आ गया यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी इंटू एट माइनस रूट ऑफ सिक्सटी थ्री नाउ आई हैव टू बेसिकली कैलकुलेट स्क्वेयर रूट ऑफ दिस नंबर इस नंबर का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी इंटू एट माइनस रूट सिक्सटी थ्री एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना है ठीक है तो आई नो इसको मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूं रूट ऑफ ट्वेंटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एट माइनस रूट सिक्सटी थ्री ऐसे ब्रेक कर सकते हैं करेक्ट स्प्लिट कर दिया दिस इंटू दिस था तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट ट्वेंटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एट माइनस रूट सिक्सटी तो ऑल्दो ये थोड़ा सा

तो इफेक्टिवली so हो जाएगा ट्वेंटी की पावर वन बाय टू इंटू वन बाय टू ट्वेंटी हो जाएगा एट माइनस रूट सिक्सटी थ्री इसका स्क्वायर रूट निकालना है अब ये फेमिलियर फॉर्मेट में आ गया तो आई अ रैशनल माइनस एंड इरेशनल नंबर इसका स्क्वायर रूट विल बी ऑफ दूट एक्स माइनस रूट वाई डेफिनेटली ठीक है अब स्कवायर कर देते हैं दोनों तरफ तो आई है आई कैन कंपेयर इट विद एट ठीक है और इेशनल पार्ट है माइनस टू रूट एक्स वाई इसको हम कंपेयर कर सकते हैं माइनस रूट सिक्सटी थ्री से स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो आई गेट माइनस तो कैंसिल आउट आई गेट फोर टाइम्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आउट टू बी सिक्स वाई इज रूट सॉरी बायर अब यहां पे थोड़ा सा आपको जजमेंट यूज करना पड़ेगा कि दो नंबर्स क्या हो सकते हैं या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो एक्स की जगह सिक्सटी थ्री अप फोर वाई सब्सटीट्यूट करो यहां पर एंड सॉल्व फॉर वाई यूजिंग क्वान्टिटी वरना एक और तरीका है यहां पर स्प्लिट कर सकते हैं हम एक्स इंटू वाई सिक्सटी थ्री बाई फोर है ना ठीक है तो आई कैन राइट इट मतलब इतना समझ में, आ रहा है कि x y में तो आएंगे तो फोर है इसको इक्वली स्प्लिट कर देते हैं टू टू सिक्सटी थ्री का एक स्प्लिट होता है नाइन एंड सेवन तो नाइन बाय टू इंटू सेवन बाय टू अगर ये एक्स और वाई की वैल्यू हो जाती है तो इनका सम क्या आएगा देखे अगर x नाइन बाय टू है और y सेवन बाय टू है तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा नाइन बाय टू प्लस सेवन बाई टू विच 8 चाहिए टू एंड टू इज एट राइट तो ये जो दो नंबर्स हैं दे विल बी नाइन बाय टू एंड सेवन बाय टू अब या तो x नाइन बाय टू वाई सेवन बाय टू हो सकता है या फिर x सेवन बाय टू और नाइन बाय टू हो सकता है y। बट सिंस यहां पर नेगेटिव है ठीक है तो ऐसा नहीं कि एक्स और वाई कुछ भी हो सकते एक्स शुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन वाई तभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आना चाहिए वो तभी आएगा जब एक्स वाई से बड़ा हो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी नाइन बाय टू और वाई की वैल्यू हो जाएगी सेवन बाई टू राइट तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस रूट सिक्सटी थ्री कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विच इज नाइन बाय टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई विच इज सेवन बाय टू ओके तो यहां से अब आपके पास फाइनल जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी इन स्क्वायर रूट ऑफ एट माइनस रूट सिक्सटी थ्री विच इज स्क्वायर रूट ऑफ नाइन बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन बाई टू यह आपका फाइनल स्क्वायर रूट आ जाएगा इस पूरे टर्म का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज दोनों सर्ट्स थे यहां पर एक रैशनल एक इेशनल नहीं था दोनों इेशनल थे इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट आ रहा है ठीक है चलो नेक्स्ट अब देखो यहां पर अब यहां पर यू हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर जिसमें एक तो रैशनल टर्म है इरैशनल टर्म्स कितने हैं तीन इेशनल टर्म्स है भाई तीन इेशनल टर्म्स कैसे आ सकते हैं हमने जो अभी सीखा था उसके हिसाब से या तो कोई भी जो रैशनल प्लस इेशनल नंबर का स्क्वायर रूट था वो रूट एक्स प्लस रूटवाई के फॉर्म का था क्योंकि जब इसका स्क्वायर करते हैं तो एक रैशनल और एक इेशनल टर्म आता है लेकिन यहां पर तो तीन इेशनल टर्म है तो क्या इसका स्क्वायर रूट रूट एक्स प्लस रूटवाई के फॉर्म का होगा नहीं होगा क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक रैशनल टर्म तो मिलेगा लेकिन इेशनल टर्म एक ही मिलेगा तो वो थोड़ा सा इशू आ जाएगा तो यहां पर रूट एक्स प्लस रूटवाई के फॉर्म का तो नहीं होगा किस फॉर्म का होगा यहां पर स्क्वायर रूट विल बी ऑफ द फॉर्म रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड इस फॉर्म का होगा क्यों होगा समझो इफ आई हैूट वाई प्लस रूट जेड ठीक है और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आई होप यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स ऑफ ए इंटू बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी इंटू ए राइट ये प्रॉपर्टी यहां यूज करते हैं तो रूट एक्स प्लस रूटवाई प्लस रूट इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर प्लस रूट जेड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट एक्स इंटू रूट वाई विच इज ट्वाइस रूट ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस ट्वाइस रूट ऑफ रूट वाई प्लस ट्वाइस रूट ऑफ वाई इंटू रूट जेड तो ट्वाइस रूट ऑफ वाई इंटू जेड प्लस आएगा इेशनल so, टर्म ये हो जाएगा एक इेशनल टर्म ये हो जाएगा और तीसरा इेशनल टर्म ये हो जाएगा तो रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड का जो स्क्वायर है इसमें एक इेशनल और तीन सॉरी एक रैशनल और तीन इशनल टर्म्स आएंगे इसीलिए हम यहां पर, sort of, की की तो पर भी हम इफेक्टिवली एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं जब सिर्फ एक रैशनल प्लस एक रैशनल टर्म था तो आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे थे यहां पर हम यूज कर रहे होल स्क्वायर ठीक है तो

x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ट्वाइस रूट ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस रूट ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस रूट ठीक है अब यू कंपेयर रैशनल एंड करस्पॉन्डिंग इन रैशनल तो यहां पर हम बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड ये रैशनल पार्ट विल बी इक्वल टू रैशनल पार्ट हियर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू इलेवन ओके नेक्स्ट इज टू रूट एक्स इंटू वाई पहला जो इेशनल टर्म है वो हो जाएगा रूट ऑफ ट्वेंटी फोर दूसरा इर्रैशनल टर्म जो है टू रूट वाई इन टू जेड हो जाएगा रूट फोर्टी एट एंड तीसरा इेशनल पार्ट टू रूट जेड इंटू एक्स ये हो जाएगा रूट ऑफ सेवेंटी टू ठीक अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस होगा उतना सिंपल नहीं है जितना पहले हमने किया था चलो, let's see, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले ये वाले तीन टर्म सॉल्व करते हैं square कर देते हैं दोनों तरफ तो इसका square करेंगे तो इक्वल टू सिक्स आ जाएगा ओके इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर टाइम्स वाई इंटू जेड आ जाएगा तो okay? से डिवाइड करेंगे तो वाई इंटू जेड आ जाएगा हमारे पास फोर्टी एट बाई फोर ट्वेल्व फाइन एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर टाइम्स जेड इंटू एक्स कम्स टू बी सेवेंटी टू तो फोर से डिवाइड कर दो जेड इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी एटीन ठीक अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फिगर आउट करनी है ये 6, 12, हो, और तीनों का सम हो इलेवन तो इफ ए गुड विद कैलकुलेशन आपके पास नंबर समझ में आएंगे द नंबर्स विल बी टू थ्री एंड सिक्स टू थ्री से टू इंटू थ्री सिक्स थ्री इंटू सिक्स एटीन टू इंटू सिक्स ट्वेल्व टू प्लस थ्री प्लस इलेवन बट ये इतना आसान नहीं है तो अगर आपको नहीं कर रहा है, numbers ये होंगे तो फिर क्या करना है वो देखते हैं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर तो इफेक्टिवली बन जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड का होल स्क्वायर 6 into 12 into 18, ये बन जाएगा तो यहां से एक्स वाई जेड का ये क्या आएगा टू सिक्स है स्क्वायर रूट के बाहर आके एक सिक्स बचेगा दो टूज है स्क्वायर रूट के बाहर आके एक टू बचेगा 2, और नाइन का स्क्वायर रूट हो जाएगा थ्री तो सिक्स इंटू टू इज ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू थ्री इज थर्टी सिक्स तो हमारे पास एक्स इंटू वाई इंटू जेड का प्रोडक्ट आ गया थर्टी सिक्स तो अब सिंपली सोचो यहां से हमें पता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज थर्टी सिक्स इस इक्वेशन को एक्स इंटू वाई में सिक्स सब्सिट्यूट कर दो एक्स इंटू वाई इज सिक्स तो वी गेट सिक्स इंटू जेड इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो जेड की वैल्यू यहां से आ जाएगी सिक्स राइट right? नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन देखो ना एक्स इंटू वाई इंटू जेड में वाई इंटू जेड ट्वेल्व क्या आ जाएगी थ्री आ जाएगी ओके एंड फाइनली इस इक्वेशन में देखो z इंटू एक्स इज एटीन एक्स इंटू जेड इज एटीन तो यहां पर y इंटू एक्स इंटू जेड एटीन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो यहां से y की वैल्यू आ गई तो आ गए हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू थ्री टू एंड सिक्स सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इज रूट एक्स अब देखो यहां पर एक्स वाई जेड किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं सच कोई इश्यू नहीं है सब पॉजिटिव है राइट तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट सिक्स राइट तो यहां पर सिंस एक रैशनल और तीन इरेशनल टर्म्स थे तो इसका स्क्वायर रूट रूट एक्स प्लस रूट वाई के फॉर्म का नहीं था रूट इज ऑफ फॉर्म रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, राइट अगर आपके पास सपोज यहां पर प्लस की जगह एक माइनस होता एक तो सिंगल माइनस होगा नहीं होगा तो एटलीस्ट दो नेगेटिव टर्म्स होंगे दो नेगेटिव टर्म्स होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहां पर इन तीन में से कोई एक टर्म नेगेटिव हो जाएगा एग्जैक्टली exactly कोई एक टर्म नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है फिर उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं राइट right? तो इस सेशन के लिए इतना ही है इफ यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू